दोस्तों आज की कहानी जो है बहुत ही मार्मिक कहानी है। ये समाज की हकीकत है और हर एक व्यक्ति की जो मेहनत करता है, जो मेहनत करके कमाता है, उसके पूरे जीवन की ही कहानी है। तो कहानी को आप लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक सुनिएगा। नरेश के 20 साल जीवन के कब गुजर गए और कब हवा की तरह उड़ गए, ये नरेश को पता ही नहीं चला। अब आई नौकरी की खोज की बात। अब धीरे धीरे वो नौकरी ढूंढने लगा। कुछ दिन बाद उसे एक नौकरी मिल गई। फिर उसके हाथ आया पहली तनख्वाह का चेक। वह बैंक में जमा हुआ और शुरू हुआ अकाउंट में जमा होने वाले शून्यों का अंतहीन खेल। 2-3 वर्ष और निकल गए, बैंक में थोड़े और शून्य बढ़ गए। अब नरेश की उम्र इधर 25 साल की हो गई और फिर नरेश का विवाह हो गया। जीवन की राम कहानी शुरू हो गई। शुरू के 1-2 साल नर्म गुलाबी रसीले सपने कैसे गुजरे, ये दोनों पति पत्नी को पता ही नहीं चला। हाथों में हाथ डालकर घूमना फिरना, रंग बिरंगे सपने, पर ये दिन जल्द ही गुजर गए। और फिर बच्चे के आने की आहट हुई। वर्ष भर में पालना झूलने लगा। अब सारा ध्यान बच्चे पर केंद्रित हो गया। उठना बैठना, खाना पीना, लाड दुलार, दोनों पति पत्नी दोनों इसी में लगे रहते थे। और फिर समय कैसे फटाफट निकल गया, दोनों पति पत्नी को पता ही नहीं चला। इस बीच नरेश का हाथ उसकी पत्नी के हाथ से कब निकल गया, बातें करना घूमना फिरना कब बंद हो गया, ये भी दोनों को पता नहीं चला। अब बच्चा बड़ा होता गया, उसकी पत्नी बच्चे में व्यस्त हो गई और वो अपने काम में, घर और गाड़ी की किस्त, बच्चे की जिम्मेदारी, शिक्षा और भविष्य की सुविधा, और साथ ही बैंक में शून्य बढ़ाने की चिंता, यानी कि बैंक में पैसे इकट्ठे करने की चिंता, जो तन और मन को काट कर इकट्ठा किया गया था। अब नरेश की पत्नी ने अपने को भी पूरी तरीके से घर के कामों में झोंक लिया और नरेश भी इतने में 35 साल का हो गया। घर गाड़ी बैंक में शून्य, परिवार सब है, फिर भी उसे लगता था कुछ कमी है। पर वो क्या था वो समझ नहीं पा रहा था। उसकी चिढ़ बढ़ती गई और वो उदास होने लगा। इस बीच दिन धीरे धीरे बीतते गए, समय गुजरता गया, बच्चा बड़ा होता गया, उसका यानी कि उसके बच्चे का खुद का संसार कब तैयार हो गया और कब वो कक्षा 10वीं की पढ़ाई पास कर लिया, दोनों को पता ही नहीं चला। और तब तक दोनों ही 40-42 साल के हो गए और बैंक में शून्य बढ़ता ही गया। एक नितांत एकांत क्षण में नरेश अपने गुजरे दिन को बैठकर याद करता है और मौका देखकर अपनी पत्नी से कहता है, अरे जरा यहां आओ, पास बैठो, चलो हाथ में हाथ डालकर कहीं घूमने चलते हैं। अब उसकी पत्नी उसे बहुत अजीब नजरों से देखती है और कहती है, तुम्हें कुछ भी सूझता है? यहाँ ढेर सारा काम पड़ा है और तुम्हें बातों की सूझी है, तुम्हें हाथ में हाथ डालकर घूमने की सूझी है। अब उसकी पत्नी कमर में पल्लू खोस के निकल गई और फिर आया 45वां साल। आंखों पर चश्मा लग गया, बाल काला रंग छोड़ने लगे, दिमाग में कुछ उलझने शुरू हो गई। और इधर बेटा कॉलेज में था, इधर बैंक में शून्य धीरे धीरे बढ़ रहे थे। देखते ही देखते उसके बच्चे का कॉलेज भी खत्म हो गया और वह अपने पैरों पे खड़ा हो गया और उसके भी पंख निकल आए और वह उड़ गया परदेश। और अब समय ऐसा आया कि उसके बाल पूरी तरीके से सफेद हो गए और कभी कभी दिमाग साथ छोड़ने लगा और उसे चश्मा भी लग गया और उसकी पत्नी भी अब बूढ़ी दिखने लगी और वो भी उम्र दराज लगने लगी थी। दोनों पति पत्नी 55 से 60 की ओर बढ़ने लगे और बैंक के शून्यों की कोई खबर ही नहीं। बाहर आने जाने के कार्यक्रम अब पूरी तरीके से बंद हो गए। अब तो गोली दवाइयों के दिन और समय निश्चित होने लगे कि कब कौन सी दवा और कब कौन सी गोली खानी है। बच्चे बड़े होंगे तब हम साथ रहेंगे, यह सोच कर लिया गया घर। अब दोनों को बोझ लगने लगा, बच्चे कब वापिस आएंगे, यही सोचते सोचते अब पति पत्नी अपने दिन गुजारने लगे। एक दिन यूं ही सोफे पे बैठे ठंडी हवा का आनंद ले रहा था नरेश,
और उसकी पत्नी दिया बाती कर रही थी, तभी फोन की घंटी बजती है और लपक के जैसे ही उसकी पत्नी फोन उठाती है, दूसरी तरफ बेटा था जिसने कहा कि उसने शादी कर ली है और अब परदेश में ही रहेगा। और उसने फिर पिताजी से बात कराने को कही, और जब पिताजी से बात करता है बेटा, तो बेटा ये कहता है कि पिताजी आपके बैंक के शून्यों को आप किसी वृद्धाश्रम में दान दे देना और आप भी वही रह लेना। कुछ और औपचारिक बातें कहकर बेटा फोन रख देता है। अब पिता नरेश थक हार कर पूरी बात सुनकर बेटे की पुनः सोफे पर आकर बैठ गया। उसकी पत्नी की भी दिया बाती खत्म हो गई। नरेश ने अपनी पत्नी को आवाज दी, चलो आज कहीं बाहर घूमकर आते हैं और हाथ में हाथ डालकर बात करते हैं। तब उसकी पत्नी बोली, अभी आई। अब नरेश को विश्वास ही नहीं हुआ, चेहरा खुशी से चमक उठा, आंखें भर आई, आंखों से आंसू गिरने लगे और गाल भी भीग गए। अचानक नरेश की चमक फीकी पड़ गई और निस्तेज हो गया हमेशा के लिए। पत्नी ने अपना सारा काम छोड़ा और नरेश के पास आकर बैठ गई। बोलो क्या बोल रहे थे, ऐसा कहने लगी। लेकिन नरेश ने कुछ नहीं कहा कि पत्नी ने उसके शरीर को छू कर देखा, शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। उसकी पत्नी नरेश की तरफ एक टक देख रही थी, क्षण भर को वो शून्य हो गई और समझ नहीं पा रही थी कि अब वो क्या करे। अब जब उसकी पत्नी को दो मिनट कुछ नहीं समझ में आया तो वो धीरे से उठी और पूजा घर में गई, एक अगरबत्ती ली, ईश्वर को प्रणाम किया और फिर से आके नरेश के पास सोफे पर बैठ गई और नरेश के ठंडे हाथों को अपने हाथ में लेकर बोली, चलो कहाँ घूमने चलना है तुम्हें, क्या बातें करनी है तुम्हें, बोलो। ऐसा कहते हुए उसकी आंखें भर आई और एक टक वो नरेश को देखती रही, अपने पति को देखती रही, आंखों से आंसू की धारा बह निकली और नरेश का सारा कंधा, सारी शरीर उसकी पत्नी के रोने के आंसुओं से भीग गया और फिर एक ठंडी हवा का झोंका अब भी चल रहा था। दोस्तों, क्या यही जिंदगी है और क्या इसी जिंदगी के लिए हम अपना सब कुछ त्याग कर एक एक पैसे अपने खाते में शून्य बढ़ाने की चिंता में पूरा जीवन अपना गुजार देते हैं, जबकि बहुत सारे माता पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चों की परवरिश के लिए, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, अपने बच्चे को एक उन्नति के रास्ते पर ले जाने के लिए अपना जीवन ऐसे धीरे धीरे काट कर गुजार लेते हैं सिर्फ और सिर्फ संतान को आगे बढ़ाने के लिए। पर यही संतान जब उनके उम्मीदों से ज्यादा आगे निकल जाती है तो कई बार कहानी नरेश की तरीके से होती है। इसलिए आपसे मेरा इस कहानी के माध्यम से विनम्र अनुरोध है कि कृपया अगर आपके माँ बाप ने आपको बहुत ज्यादा मेहनत करके, कुछ ज्यादा संघर्षों के बीच पाल कर आपको उन्नति के रास्ते तक ले गए हैं और आपके लिए एक सफलता की सीढ़ी बनाई है, तो आप कृपया ऐसा ना करें। और उन लोगों से भी एक आग्रह है कि आप इतना ज्यादा किसी के बारे में ख्याल ना करें, इतनी ज्यादा किसी के बारे में मेहनत ना करें, इतनी ज्यादा किसी के बारे में सोच ना रखें, क्योंकि जीवन आपका है, जीना आपको अपनी तरीके से है, जीवन के हर पल को अच्छी तरीके से जिए। आज की कहानी का मोरल, आज की कहानी का सुझाव बस इतना था। उम्मीद है आपको पूरी कहानी समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। अगर कहानी ने आपके दिल को थोड़ा सा भी छुआ हो और कहानी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, एक लाइक और वीडियो को शेयर करना, कहानी को शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, मिलता हूं ऐसी एक नई दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।